हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आपके जो यहाँ पे न्यू वैकेंसी नर्सिंग ऑफिसर की जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप किस तरह स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के तरफ अप्लाई कर सकते हैं, इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बताएं जाए डिटेल में। तो फ्रेंड्स, आपके 1930 पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी कर दी गई है। फ्रेंड्स, इसके नोटिफिकेशन की वीडियो हमने आपको पहले ही प्रोवाइड करवा दी है, जिसका लिंक आपको हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फॉर्म को भरने से पहले आप इसके नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड आउट कर लीजिए कि आपके इसमें कितनी एज आपको बताई हुई है और आपका यहाँ पे जो आपकी क्वालिफिकेशन है ये आपको यहाँ पे क्या बताई हुई है। तो आपके यहाँ पे बीएससी नर्सिंग ऑनर्स में आपकी यहाँ होनी चाहिए, या फिर आपने यहाँ पे डिप्लोमा जनरल नर्सिंग मिडवाइफ में आपने करा होना चाहिए। तो जो भी आपकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी है उसे आप यहाँ इसके नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आने वाली सारी न्यू अपडेट्स आपको मिलती रही। फ्रेंड्स, यहाँ फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम इसके जो ऑफिशियल पोर्टल है इस पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका जो कैंडिडेट का नेम है वो आपको डालना होगा, आपका जो भी जेंडर है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपका फादर नेम, आपका मदर नेम, आप किस कम्युनिटी में आते हैं, आपकी ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, आपके 10th का रोल नंबर, सिक्योरिटी क्वेश्चन भर के कैप्चा को भर के सबमिट आपको कर देना है। फ्रेंड्स, ओटीआर की वीडियो हमने आपको पहले ही प्रोवाइड करवाई है, जिसका लिंक आपको हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिंग करना होगा। तो यहाँ पे लॉगिंग करने के लिए आपको सबसे पहले आप ईमेल आईडी से आप अगर लॉगिंग करना चाहते हैं आप ईमेल आईडी से लॉगिंग कर सकते हैं, आप यहाँ पे मोबाइल नंबर से आप लॉगिंग करना चाहते हैं तो आप मोबाइल नंबर यहाँ डाल देंगे, और ओटीआर के माध्यम से आप करना चाहते हैं तो ओटीआर आईडी आपको जो मिली है वो आप डाल देंगे और यहाँ पे कैप्चा को भरेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिंग कर देना है। जब यहाँ पे जैसे हम ईमेल आईडी के माध्यम से कर रहे हैं तो हम ईमेल आईडी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद ईमेल आईडी एड्रेस डालेंगे, गेट ओटीपी करेंगे, वेरीफाई कर लेंगे, कैप्चा को भरेंगे, लॉगिंग हम कर देंगे। आपको यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है इन्हें रीड करना है, फिर टेस्ट नोटिफिकेशन पे आपको जाना होगा। यहाँ पे आपको नर्सिंग ऑफिसर की जो आपकी वैकेंसी है ये आपको देखने को मिल जाएगी। फ्रेंड्स, इसके साथ ही आपकी पर्सनल असिस्टेंट की जो वैकेंसी है इसका फॉर्म हमने आपको पहले ही भरना आपको बता दिया है कि किस तरह आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपको लिंक हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि आप अगर इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं तो किस तरह आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ओटीआर में आप कोई एडिट करना चाहते हैं हम यहाँ कर सकते हैं, नहीं करना चाहते फर्स्ट पेपर पे आप क्लिक करेंगे, कुछ इंस्ट्रक्शन है आपको रीड करनी है। यस, आपको करना होगा। रीड करने के बाद आपको अपना मेडिकल स्टेटस है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपकी जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं वो आप अपनी जो कम्युनिटी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आप यहाँ पे ओबीसी क्लियर में नहीं आते हैं तो ही आपको यहाँ रिजर्वेशन मिलेगा, तो आपको नहीं आते आप नो करेंगे। आपको यहाँ पे आपका कैटेगरी जो नंबर है सर्टिफिकेट वो आपको डालना होगा, किस अथॉरिटी ने आपको यहाँ ये दिया था वो आपको करना है, आपका स्टेट आपको सेलेक्ट करना है और आपका यहाँ पे जो सर्टिफिकेट इशू डेट है वो आपको करना होगा। अगर आप यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आपका जो भी सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको यह देखना होगा, इसके लिए आपको इंस्ट्रक्शन भी दिए हुए हैं। अगर आप यहाँ पे एससी में आते हैं तो आपका यहाँ पे जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आप डालेंगे, किस अथॉरिटी ने आपको यहाँ करा था वो आपको डालना है, आपका किस स्टेट से हुआ है ये आपको सेलेक्ट करना है और आपका जो सर्टिफिकेट इशू डेट है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। तो आप जिस भी कम्युनिटी में आते हैं आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है जो आपने कर रखी है, अगर आपने बीएससी ऑनर्स नर्सिंग आपने यहाँ पे कर रखी है, आपने रजिस्टर आपने काउंसिल से आपने कर रखा है, या आपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रखी है, डिप्लोमा आपने कर रखा है, तो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। जब आप इसे यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे इसके बाद आपका यहाँ पे आता है आपका एड्रेस, तो आपका जो भी एड्रेस है वो आपको यहाँ पे 3 लाइन आपको दे के रखी है, आपको अपना फुल एड्रेस यहाँ पे डालना होगा। इसके बाद आपका जो भी स्टेट है, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है, आपका पिन कोड नंबर आप यहाँ डाल देंगे। इसके बाद आप यहाँ पे सभी को एक बार चेक कर लेंगे और कंटिन्यू पे टैप पे क्लिक कर देंगे। जब आप कंटिन्यू टैप पे यहाँ क्लिक कर देंगे उसके बाद आपको एज में रिडक्शन चाहिए ऐसा आप करेंगे और किस वजह से चाहिए उस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन आपको नहीं चाहिए तो इस कंडीशन में आप यहाँ पे नो करेंगे और कंटिन्यू टैप पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको अपनी जो आईडी प्रूफ आपका है वो आपको सेलेक्ट करना होगा, यस आपको करना होगा, आपका जो भी आईडी नंबर है वो आपको यहाँ डालना होगा। इसके बाद आपको ये अपलोड यहाँ पे करना होगा। फ्रेंड्स, यहाँ ब्राउजर पे जाके आप यहाँ पे अपलोड कर लेंगे, क्लिक हेयर पे जाके आपको इसकी जो साइज है वो आपको देख के रखी है, तो आपको यहाँ अपलोड कर देना है ब्राउजर पे जाके। इसके बाद आपको यहाँ कंटिन्यू टैप पे क्लिक करना होगा। जब आप कंटिन्यू टैप पे क्लिक कर देंगे इसके बाद आपके सामने आपका जो भी
दिया, आपने अपनी डिटेल भरी है, प्रीव्यू आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ आपको गलती लगती है तो आप इसको एडिट पे जाके आप इसको सही कर सकते हैं। सब कुछ सही है तो आप यहाँ पे आई एग्री आप यहाँ कर देंगे और कैप्चर को भर के आई एग्री आपको यहाँ करना होगा। जब आप कैप्चर भर के आई एग्री कर देंगे उसके बाद आपको अपना जो प्रीव्यू है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको अपलोड फोटो पे जाना होगा और फोटो पे जाने के बाद आपको आपकी जो फोटो है उस पर आपको यहाँ पे फोटो सिग्नेचर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। क्लिक हेयर पे आप यहाँ क्लिक करेंगे और आपको अपनी जो फोटो की साइज है वो आपको एमएस वर्ड में जाके आप किस तरह इसे रिसाइज कर सकते हैं, जो आपको साइज यहाँ बता के रखी है, तो इसमें जाकर आप अपनी जो फोटो की साइज है और सिग्नेचर है वो आप रिसाइज कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसके लिए आप इसके यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी आपको यहाँ दिए हुए हैं कि आपकी जो फोटो है वो आपकी यहाँ पे 10 दिन से पुरानी नहीं होनी चाहिए और आपको अपनी फोटो के नीचे आपका नाम और आपकी जो डेट है जिस दिन फॉर्म भर रहे हैं वो आपको यहाँ डालनी होगी। तो आप इसे यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह आपका जो नाम है और आपके जो डेट है आपको डालनी है, आपका सिग्नेचर आपको यहाँ करना होगा जिसकी साइज भी आपको यहाँ देके रखी है। तो आप यहाँ पे क्लिक हेयर पे आपको जाना होगा और आपकी फोटो है वो आपको रिसाइज यहाँ करनी होगी। आपका सिग्नेचर भी आप रिसाइज कर सकते हैं। उसके बाद ब्राउजर पे जाके आपको अपनी फोटो और आपके साइन है वो आपको यहाँ अपलोड कर देने हैं। इसके बाद आप यहाँ कंटिन्यू टैब पे इसको क्लिक कर लेंगे। एक बार चेक करने के बाद जब आप यहाँ पे चेक कर लेंगे कंटिन्यू टैब पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको देखिए यहाँ पे आपका जो आपका सिग्नेचर है आपकी फोटो अपलोड हो गई। इसके बाद आपको यहाँ पे जो एग्जाम सेंटर है वो आपको है चुनना होगा। तो आपके एग्जाम सेंटर है वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ डिक्लेरेशन करना होगा। तो आई हैव रीड पे और डिक्लेयर पे आप यहाँ क्लिक कर देंगे। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे उसके बाद आपको यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट प्रोसेस है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको यहाँ पे बताया है कि आप यहाँ पे आपका जो प्रिंट है वो आप लेकर फ्यूचर यूज के लिए संभाल के रख सकते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे और आप अपना जो प्रिंट है वो लेकर फ्यूचर यूज के लिए संभाल के रख लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह जो आपका फॉर्म है कम्प्लीट हो जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।